नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूँ आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर की पुलिस द्वारा जागरूक अभियान इन दिनों चलाया जा रहा है, जिसमें यातायात पुलिस नगर पुलिस की संयुक्त टीमें मुख्य चौराहे पर दुकानों पर होटल संचालकों शादी गार्डन संचालकों सभी लोगों के पास पहुंचकर उन्हें अपराधों के बारे में जागरूक कर रही है, ताकि लोग समय रहते जागरूक हों और ऑनलाइन फ्रॉड लूट का शिकार न हो सके। वहीं यातायात नियमों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। अनजान व्यक्ति शहर में दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना देने की भी बात कही जा रही है। अभियान से शहर के लोग जागरूक भी हो रहे हैं और उन्हें अहम जानकारियां भी मिल रही हैं। शहर में इन दिनों नगर की पुलिस सप्ती दोपहरी में सड़कों पर दिख रही है और लोगों को पैम्पलेट देकर उन्हें जागरूक कर रही है, ताकि वह आने वाले समय में ठगी ऑनलाइन फ्रॉड और लूट जैसी घटनाओं से बच सके। वहीं सड़कों पर यातायात नियम का पालन करने की भी बात पुलिस बता रही है। जागरूकता अभियान में लोगों को बताया जा रहा है कि आपराधिक लोगों के द्वारा स्वयं एवं बच्चों की मदद से चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। विदिशा जिले और बांसवाड़ा में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। इस संबंध में सचेत रहकर 5 बिंदुओं का पालन करने का पुलिस आग्रह कर रही है। शहर के बाहर खिलौनों वस्तुओं का विक्रय करने वाले लोगों पर निगरानी बनाए रखें, तुरंत पुलिस को सूचित करें। शहर में कहीं भी अकारण बच्चे महिलाएं घूमते मिले तो वीडियो बनाएं, तुरंत फोटो शूट करें और पुलिस को सूचना दें। नगद अधिक राशि चार पहिया वाहन से लाना ले जाना करें, दुपहिया वाहन से लाना पड़े तो सावधानी रखें। पुलिस द्वारा बताया गया कि अगर कोई अनजान व्यक्ति या महिला आपके ऊपर गंदगी या गाड़ी में ग्रीस लगा होने की बात कह रहा है या कोई स्प्रे करने की कोशिश में है तो तुरंत सचेत हो जाएं, यह घटना को अंजाम दे सकते हैं। वहीं शादी विवाह में अकरन घूमते बच्चे मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ऐसे बच्चे चोरी को अंजाम दे सकते हैं। वहीं पुलिस के द्वारा यातायात पुलिस ने पुलिस नियमों के बारे में भी जानकारी दी। वहीं SDOP मनोज मिश्रा ने बताया कि यह अभियान शहर के पुलिस द्वारा निरंतर चलाया जाएगा, जिससे अपराधों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसी स्थिति को पहले से ही भांप लें तो हम अपराधियों को जनता की मदद से पकड़ सकते हैं। विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ऑनलाइन धोखाधड़ी या बैंकों में कुछ लोगों को भ्रमित करके उनके बैंक वैग गायब करने की घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही थी, उसी क्रम में एक आध घटना हमारे गंजवासों का शहर में भी हुई। उसी को ध्यान में रखते हुए साथ में यातायात नियमों के उल्लंघन के हमने ज्वाइंट करके ये अभियान चलाया हुआ है। और ये अभियान तो एक सतत प्रक्रिया है कि लोगों को अवेयरनेस आए कि यातायात के नियमों का पालन तो करें ही, साथ में अपने धन और जान की सुरक्षा के संबंध में भी जो हम लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं, कुछ टिप्स हमने लिख के भी पर्चे बंटवाए हैं और ये पर्चे बंटवाने की भी प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। और इसमें आप लोगों के माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि हमारे मीडिया के मतलब भी इसको और ज़्यादा प्रचारित प्रसारित करें, ताकि इससे लोगों को लाभ हो और हमारा समाज और हमारा जहाँ हम रहते हैं वो क्षेत्र सुरक्षित है। सर, ऑनलाइन ठगी किस प्रकार कर रहे हैं? ऑनलाइन ठगी एक्चुअली ये बहुत बड़ी एक रैकेट है जो लोगों को लालच देते हैं। और ऑनलाइन ठगी में सबसे बड़ी जो कमी वो दिक्कत आती है, वो व्यक्ति उनके झांसे में आ जाता है और अपना OTP जो भी आता है वो बता देते हैं। हमें लोगों को यही जागरूक करना है कि किसी भी सूरत में, भले ही वो बैंक कर्मी बनके भी आपसे पूछ रहा है, मोबाइल फोन पर आपको जब तक आप खुद उसमें इन्वॉल्व ना हो किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी OTP ना दें। जो आपने अगर कोई कार्यक्रम किया है कि आपने मान लीजिए किसी को पैसा भेजना है या किसी से पैसा तो आपके पास वो नोन नंबर है, अननोन नंबर वालों को तो कतई संपर्क नहीं करना है। कोशिश करिए आप अपनी ID वगैरह भी किसी से शेयर ना करें। तो कंप्लेंट बांटने के बाद अगला कदम क्या रहेगा लोगों को जागरूक करने के लिए? हम लोग अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं इस संबंध में, कंप्लेंट के साथ साथ अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं। बैंक अधिकारियों को भी हमने इस संबंध में पत्र लिखे हैं और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव प्रक्रिया जैसी समाप्त होती है इसके बाद हम बैंक अधिकारियों से भी एक मीटिंग करेंगे, सभी बैंक अधिकारियों की इसमें मदद लेंगे कि उनके माध्यम से भी जागरूकता हो। साथ में बैंकों में बहुत अच्छे CCTV कैमरे लगाए जाएं ताकि वहाँ आने जाने वालों को पहचानने में असुविधा ना हो। ठीक है, थैंक यू।